I'm sorry. तुम जैसे लड़के लड़कियों से टकराने ही भीड़ में आते हैं। मम्मी को बताए बिना हम लोग चले गए तो बहुत गुस्सा होंगी। तो क्या करें, पोस्टल वालों ने भी तो हड़ताल कर रखी है। टेलीग्राम भेजे भी तो कैसे। ऑटो खाली है सर। नहीं नहीं सर, ऑटो खाली है। क्या हुआ? क्या हुआ कमाल, आप पहले आदमी हैं जिसने एक स्कूटर वाले को सर कहा, वरना तो यहाँ ए रिक्शा ए स्कूटर कोई इज्जत ही नहीं देता। कहने को तो दिल्ली है मगर दिल रखना आपसे सीखना चाहिए इनको। चलिए सर, चलिए, आइए आइए, बैठिए। मेरा नाम दीपक है। प्रीतम, अरे मुझे वाकई बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, वरना हम स्कूटर वाले को कौन अपना परिचय देता। क्या है ना, केरला में काम करने से पहले मैं कुछ दिन आगरा में था, वहाँ मैं भी ऑटो चलाता था। अरे अपने बिरादरी का आदमी है, कहाँ चलना है? कहाँ जाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब? नहीं, मेरा मतलब है कि मुझे सिर्फ नहा धो के कपड़े बदलने और फिर ऑफिस जाना है। अगर आप आधे घंटे के लिए मुझे किसी लॉज में छोटा सा कमरा दिलवा देते तो। मेरा भी एक छोटा सा घर है, अगर आप नहा धोकर कपड़े बदलना चाहते हो तो आप मेरे घर आइए, अगर आपको एतराज ना हो तो। मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपको नहीं है तो। चलिए तो चलिए, चले ना, चलिए। ओए, दिखता नहीं क्या? दिखता है उस्ताद। तो फिर ठीक से चलाने नहीं होता? क्या है ना उस्ताद, आजकल अपना दिल काबू में नहीं है। अरे पापे, अपने दिल को काबू में रखो ना, आगे चल के पछताएगा। चल चल पिछले। पोस्टल डिपार्टमेंट वालों ने अचानक हड़ताल क्यों कर दी? तो क्या तुमसे पूछ कर करते? मजाक की बात नहीं यार, तुम्हें नहीं मालूम मम्मी पापा मेरे मनी ऑर्डर का कितना इंतजार कर रहे होंगे। चिंता मत कर, हड़ताल है। यस अम्मा, कमरा साफ कर दो। नहीं, अभी हमको अर्जेंटली बाहर जाने का है, बाद में कर देना। क्यों, काम पर नहीं जाना है? नहीं। हाँ जेंसी, मैं जा रही हूँ, मैंने अपने कमरे की चाबी ले लिया। ओके, अच्छा बाय बाय। हाँ क्या कहा, काम पर नहीं जाना है क्या? नहीं, आज हमारा फ्रेंड आया है, उसका इधर इंटरव्यू है ना। फ्रेंड? कौन फ्रेंड? तुम जानता है उसको, देखो। अरे आरती बेटी, तुम कब आई, कैसी हो? अच्छी हूँ, बस अभी आई कुछ ही देर पहले। जेंसी बेटी, मैं कमरा बाद में साफ करूंगी। हाँ ओके अम्मा। आरती लेट्स गो। यार मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करूँ। अरे यार मेरे फ्रेंड का स्टूडियो। अरे छोड़ दीपक, दोस्त भी कहता और पैसे भी देता है। एक पुरानी कहावत है, घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। अरे ये सब कहावतें तो बड़े लोगों की बनाई हुई बातें हैं। हमारे यहाँ अगर घास से दोस्ती हो जाए तो उसे खाते नहीं भले भूखे मर जाए। चलता हूँ। फिर दोबारा कब मुलाकात होगी? हाँ भाई सच बताओ दीपक, मैंने सपने भी नहीं सोचा था कि तेरे जैसा दोस्त मिलेगा, लेकिन खास तौर पर तुझसे मिलने के लिए वक्त नहीं निकाल पाऊंगा। रोजी रोटी कमाने के चक्कर में दिन रात भाग दौड़ करना पड़ता है। हाँ अगर कभी याद आ गई तो घर आ जाना, या तो रास्ते में मिलेंगे। ठीक है, सामान मैं बाद में आके ले जाऊंगा। हाँ हाँ कभी भी आकर ले जाना। ठीक है ना? हाँ ठीक है। बेशरम, किसको दुआ दे रहा है? किसी को नहीं, चले चलो। अरे भाई साहब, निया इंडस्ट्रीज का ऑफिस कौन से फ्लोर पे? और लिफ्ट कहाँ है? इधर। थैंक यू। थर्ड फ्लोर, लेट्स गो। हेलो ब्लू क्रॉस। हाँ आज घर से आते वक्त मैंने वसंत विहार सी ब्लॉक मार्केट में एक स्ट्रीट डॉग और उसके कुछ पपीज देखे। वुड यू प्लीज टेक केयर? अन्नेहा।
थैंक यू बाय बाय. यस कम इन. गुड मॉर्निंग मैडम. गुड मॉर्निंग. वेलकम मिस्टर दीपक. एनीथिंग रॉन्ग मैडम? नो नथिंग. बस दीपक के आते ही कमरे में रोशनी आ गई. थैंक यू. वेलकम. प्लीज हैव अ सीट. वन मोमेंट एक्सक्यूज मी. सो ओह आई एम रियली सॉरी. प्लीज हैव सम. नो थैंक यू मैम. प्लीज. I'm sorry. It's okay. I'm so sorry. Please bura mat maniyega. Deepak, main yahan ki managing director hoon aur aap yahan ke employee. Lekin mujhe ek dostana mahol mein kaam karna bahut pasand hai. Lekin meri ek shikayat hai aapse. Aapne mujhe dhoka diya hai. Maine? Wo aise ki jab mere bhaiya ne mujhse kaha ki wo kisi ladke ko bhej rahe hain, तो मैंने सोचा कोई सूट बूट पहन के स्टाइल में आने वाला है, मगर आप तो बहुत सिंपल निकले. धोखा तो आपने भी मुझे दिया है. कैसे? उन्होंने ये कहा था उनकी सिस्टर कंसर्न है, पर ये नहीं कहा था कि सिस्टर की कंसर्न है. गुड. आप बातें अच्छी कर लेते हैं. मेरा नाम दीपक है. देखिए तो बार बार दिमाग में आप ही का नाम आ रहा है. मेरा नाम नेहा है. नेहा यानी चाह, सबकी चाह. मैं एक बहुत ही आजाद ख्याल वाली लड़की हूँ, एक आजाद पंछी. पसंद आया क्या? नई जगह, नए लोग, नया काम, पसंद आया ना? मैडम, इंसान की जिंदगी में हर चीज पहली बार बिल्कुल नहीं होती है. दोस्त, नौकरी, स्कूल, माँ बाप जो लड़की चुनते हैं वो दुल्हन, हर चीज पहली बार बिल्कुल नहीं होती है, और फिर धीरे धीरे उसकी आदत हो जाती है. एडजस्टमेंट करके जिंदगी को जीना, ये मेरी पॉलिसी है. अब तक तो बस आप पसंद आए थे. लेकिन रंजीतिया. यस मैडम. कुड यू प्लीज कम इन फॉर अ सेकंड? जी अभी आया. हाँ तो हम किस बारे में बात कर रहे थे? हाँ अब तक तो सिर्फ आप हमें अच्छे लग रहे थे, लेकिन अब आपकी पॉलिसी भी अच्छी लग रही है. जस्ट वन मोमेंट. कम इन. आ मिस्टर रंजीत, प्लीज मीट मिस्टर दीपक. हेलो रंजीत. दीपक. रंजीत, आप इनका अपॉइंटमेंट लेटर ने दे दीजिएगा जी. और ये आप ही के साथ रहेंगे. यस मैम. थैंक यू मैडम. मुझे आपका थैंक यू नहीं चाहिए. मैं चाहती हूँ कि आप अपना काम पूरी ईमानदारी और दिल लगाकर करें. वन मोर थिंग, ये कंपनी का मोबाइल है, इसे आप हमेशा अपने पास रखेंगे ताकि मैं जब चाहूँ आपसे कॉन्टेक्ट कर सकूँ. ओके मैडम. चलिए. मिस्टर दीपक. यस मैडम. मुझे आपके बारे में एक चीज बहुत अच्छी लगी. क्या मैडम? आपकी सिंप्लिसिटी. थैंक यू.